साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि भाई आप अगर किसी भी कंट्री में घूमने जाना चाह रहे हैं या जॉब के पर्पज से जाना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं विदेश से रिलेटेड, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि भाई कौन सी कंट्री अपने इंडियन पासपोर्ट फ्री देती है, ऑन अराइवल देती है, वे फिर भी एजेंट उनसे पैसा ले लेते हैं किसी न किसी बहाने से। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आज हम बात करेंगे साथियों कि अगर आप विदेश से बाहर जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी कंट्री हैं, 10 कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। हालांकि इंडियन पासपोर्ट के हिसाब से, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू के हिसाब से 58 कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियन पासपोर्ट को ऑन अराइवल करती हैं, 58 कंट्रीज। लेकिन हम बात करेंगे टॉप 10 जो 10 कंट्रियां हैं जो इंडिया के आसपास में, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। ठीक है साथियों, इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज विदेश जॉब से रिलेटेड आपको सही जानकारी मिलती रहे। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। आज हम बात करेंगे 10 कंट्रियों के बारे में जो आप अगर जाते हैं तो ये 10 कंट्रियां वीज़ा बिल्कुल फ्री देती हैं। इसमें आपको कोई कुछ लेने की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना ज़रूरी है और आपके पास पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट में बात करेंगे थाईलैंड। अगर आप थाईलैंड घूमने जाना चाह रहे हैं या बहुत सारे लोग तो जॉब से रिलेटेड भी जाते हैं तो भाई वीज़ा का कोई पैसा नहीं लगता, यहाँ से अपना पासपोर्ट लीजिए, ठीक है, होटल बुकिंग लीजिए, साथ में आपका जो शो मनी है वो साथ में लेके जाइए, और रिटर्न टिकट अगर आप विजिट में जा रहे हैं, विजिट ही होता है इनका, वर्क परमिट का तो कोई मतलब नहीं है, तो आप ये डॉक्यूमेंट लेके ऑन अराइवल आप वहाँ पर एक फॉर्म भरिए, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, थाईलैंड का कोई पैसा नहीं लगता, ऑन अराइवल मिलता है। आगे हम बात करेंगे भूटान। अगर आप भूटान घूमने के लिए जा रहे हैं, घूमने के शौकीन हैं, तो भाई वीज़ा का पैसा नहीं लगता, 2 नंबर पे है, बिल्कुल फ्री है। आगे 3 नंबर पे बात करेंगे कंबोडिया। अगर कंबोडिया आप जाते हैं, बहुत सारे लोग काम करने के पर्पज से भी जाते हैं, मेरे पास वीज़ा भी कई बार आते हैं, सर कंबोडिया का वीज़ा आप चेक करिए, कंबोडिया अगर आप जाते हैं तो भाई वीज़ा ऑन अराइवल है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा, पासपोर्ट आपकी एक्सपायरी डेट 6 मंथ वैलिड होनी ज़रूरी है। 5 नंबर पर बात करेंगे साथियों मकाऊ। अगर आप मकाऊ, ये हर आदमी के माइंड में है मकाऊ, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब से रिलेटेड जाते हैं, मकाऊ के पैसे पता है लोग कितने लेते हैं, 3 लाख से लेके 4 लाख तक एजेंट लोग मकाऊ के नाम से पैसा ले लेते हैं। 20,000 हम वीज़ा का 20,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, लोगों को बेचारों को पता नहीं होता तो दे देते हैं। भाई मकाऊ ऑन अराइवल वीज़ा है इंडिया के लिए, तो आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने स्तर पर जाते हैं तो टिकट, अपना पासपोर्ट, होटल बुकिंग, शो मनी लेके आप जा सकते हैं घूमने के पर्पज़ से, और जॉब के भी ऑप्शन मकाऊ में मिल जाते हैं। आगे 6 नंबर पे बात करेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इंडियन करेंसी के हिसाब से भी बहुत सस्ती है, और अगर आप वहाँ पे घूमने जाना चाह रहे हैं तो ऑन अराइवल वीज़ा है, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा वीज़ा के मामले में। 7 नंबर पे बात करेंगे साथियों इराक। अगर आप इराक भी जाना चाहते हैं तो भाई ऑन अराइवल है, बाकी इराक में तो आपको पता है रोज़ बमबारी होती है तो लोग जाना पसंद नहीं करते। 8 नंबर पे नेपाल, जो अपना इंडियन एक तरह से भाई मान लीजिए, वहाँ का कोई पैसा नहीं है, वहाँ तो बस से जाइए, पासपोर्ट की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, वीज़ा तो बहुत दूर की बात है, आप नेपाल जा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे लाहौस। आप लाहौस, अगर ये एक नई कंट्री अगर सुनने में आ सकती है, लेकिन ये कंट्री अभी पॉपुलर हो रही है, थोड़ा चढ़ रही है, वहाँ पे काम के पर्पज़ से भी बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस कॉल वगैरह आते रहते हैं, तो ये कंट्री जॉब से रिलेटेड, लेकिन ये ऑन अराइवल है, ये मलेशिया, ये सिंगापुर, थाईलैंड, वहाँ उनके पास में ये कंट्री पड़ती है, तो यहाँ पर भी घूमने के पर्पज़ से आप जाना चाहते हैं तो ऑन अराइवल वीज़ा भाई बिल्कुल फ्री है। 10 नंबर पे बात करेंगे साथियों लास्ट एंड फाइनल जॉर्डन। जॉर्डन का तो सबको पता है साथियों, जॉर्डन तो लोग यहाँ से कमाने के लिए भी जाते हैं, वर्क परमिट वीज़ा में भी जाते हैं, घूमने के लिए भी अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल ऑन अराइवल वीज़ा है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा एजेंट को देने की या एजेंसी को देने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो साथियों ये मैंने 10 कंट्रियाँ ऐसी बताई हैं जहाँ आपका वीज़ा का पैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपना टिकट, पासपोर्ट, होटल बुकिंग और आपका जो शो मनी है पैसा लेके आप घूमने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे करेंसी भी बहुत डाउन है, तो इंडियन करेंसी यहाँ से डबल ट्रिपल बन जाती है, इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया, तो ये इन कंट्रियों में आप घूमने जाइए, बहुत सस्ती कंट्रियाँ हैं, आप आराम से घूम के 20-30,000 में भी आ सकते हैं, ये समझ लीजिए। तो मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ सही सही जानकारी आपके पास पहुँचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।